इंडियन आइडल सीजन 12 के होस्ट आदित्य नारायण ने अपने अलीबाग के रिमार्क्स के चलते एमएनएस से क्या माफी मांगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं रूपाशी फ्रॉम सिने स्पीक्स एंड चलिए मैं आपको बताती हूँ इंडियन आइडल सीजन 12 से रिलेटेड ये लेटेस्ट अपडेट। इंडियन आइडल सीजन 12 के मेकर्स की परेशानियां हमें कम होते हुए बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। मैं आपको बता दूं गाइस कि रिसेंटली आदित्य नारायण जो शो के होस्ट हैं, उन्होंने अलीबाग पे कुछ ऐसे कमेंट्स दिए जिसके चक्कर में वो बहुत प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। जो राज ठाकरे की लेड महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है एमएनएस, उन्होंने अक्यूज करा है मेकर्स को कि आपने अलीबाग को काफी गलत लाइट में दिखाया है और इसके चलते उनके जो चीफ है अमेया खोपकर, उन्होंने डिमांड करी है एक अपोलॉजी फ्रॉम आदित्य नारायण एज वेल एज द मेकर्स फॉर दिस कमेंट। और इसी के चलते आदित्य नारायण का तुरंत अपॉलोजी आ गई उनके इंस्टाग्राम पे। वो कहते हैं कि विद ए हम्बल हार्ट एंड फोल्डेड हैंड्स आई वांट टू अपॉलोजाइज टू द पीपल ऑफ अलीबाग एंड एवरीवन हु हैज बीन हर्ट बाय माय सेंटेंस ऑन अ रीसेंट एपिसोड ऑफ इंडियन आइडल दैट आई एम करंटली होस्टिंग। द इंटेंशन वॉज नेवर टू हर्ट एनीवन। आई हैव इमेंस लव एंड रिस्पेक्ट फॉर अलीबाग। माय ओन सेंटिमेंट्स आर कनेक्टेड विद द प्लेस, इट्स पीपल एंड दिस सॉइल। तो वो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू अपॉलोजाइज करते हुए हमें दिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनका इंटेंशन कभी भी किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं था। और इसके चलते उनके जो पिता हैं उन्होंने भी माफी मांगी। उदित नारायण हिमसेल्फ अपोलोजाइज्ड अपने बेटे के एक्शंस के लिए और वो कहते हैं कि मेरा बेटा इमोशनल हो गया और उसने ये बोल दिया। तो आप लोगों का इस अपडेट पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिने स्पीक्स।